हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद हंसू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगेन रबर फेस मास्क, और ये हमारा बेले जोन का प्रोफेशनल फेस मास्क है। इसे लगाने से गाइस, इसे जो मैंने रीड किया, जो अभी तक मैंने इसका रिव्यू देखा है, इसे लगाने से अगर इसकी थिक लेयर हम अपने फेस पर लगाते हैं, तो लगाने के बाद हमारे फेस से बिल्कुल रबर की तरह एक मास्क जो हम लगाते हैं उसी तरह ये निकलता है हमारे फेस की तरह। अगर इसकी पूरी थिक जितनी क्वांटिटी में ये पाउडर हमारे पास है 30 ग्राम में है, अगर इसका पूरा हम एक बार में लगाते हैं तो हमारे फेस पर जिस तरह हमें बताया जाता है उसी तरह निकलेगा। शायद वो हमारी इसके पहले की जो हमने वीडियो बनाई उसमें हमारी मिस्टेक थी, हमने उसका आधा यूज किया था, और अब मैं इसमें सारा यूज करके और इसका एक अच्छी तरह पेस्ट बना के अपने फेस पर लगाऊंगी और देखूंगी इसका रिजल्ट किस तरह होता है। इसे लगाने से ये डीटैन फेस मास्क है गाइस, इसे लगाने से हमारे फेस से सन टैन की प्रॉब्लम से जो होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी, और इसे भी लगाने से भी हमारी स्किन जो है लाइटिंग और ब्राइटिंग होगी। सबसे अच्छी इसकी बात है गाइस, ये चेरी फ्लेवर में है और इसे लगाने से हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और एक पिंकिश लुक आता है। इसे बनाने का तरीका जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, सिंपल आपने पाउडर ले लेना है किसी बाउल में और आपने वाटर का यूज कर करके आपने उसका एक पेस्ट अच्छी तरह बनाना है और उसके बाद अपने फेस पर लगा लेना है। तो चलिए मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ किस तरह आपने सब कुछ करना है। ये गाइस, मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसे मैं अब आपके सामने सारा इस बाउल में निकालूंगी। आप देख सकते हैं जितना इसका पाउडर था सारा, और ये हमारा खाली हो गया अब, और मैंने सारा इसमें इसे निकाल लिया। अकॉर्डिंग देखिए तो इसे निकालने के बाद हमारे जो बाउल में है वो आधा बाउल आपका हो जाएगा। अब इसमें मैं यूज करूंगी नॉर्मल वाटर, और अपने गेस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, स्पून से अगर आप करते हैं तो स्पून से 10 स्पून आप ले सकते हैं, 10 स्पून। उसके बाद अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसके हमें इतनी अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाना है कि बिल्कुल जिस तरह हमारा पेस्ट होता है ना, एक थिक सा और बिल्कुल लम्स ही इसमें हो, ताकि आपके फेस पे अच्छी तरह लग जाए जिस तरह हमें इसे बनाना चाहिए। ना तो ज्यादा इसमें पानी हो और ना ही ज्यादा आपका गीला ना हो, ना ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज्यादा पतला हो, और इसमें कोई भी दाने ना रहे। अच्छी तरह आपने इसका जो है पेस्ट बना लेना है। और अगर इसकी कलर की बात करें तो इसका कलर जो है बिल्कुल व्हाइट कलर में है, स्मेल भी काफी अच्छी है, पहले जितनी अच्छी नहीं है बट अच्छी चल जाएगी। जितनी उसकी अच्छी थी स्मेल उतनी अच्छी इसकी स्मेल नहीं है। और अब मैं इसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लूं, नहीं तो आपको स्पून की आवाज जाएगी। जा रही है अभी, और अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह हमारा ये बन गया। इस तरह आपने इसे बना लेना है, बिल्कुल लम्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह, और इसमें कोई भी दाने आपको नहीं दिखेंगे। इस तरह आपका होना चाहिए, और इसे जब आप बना लेंगे ना, बनाने के बाद आपने इसे रेस्ट नहीं देना है, रखना नहीं है, अपने फेस को अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपने फिर अपने फेस पर इसे लगाना है। ये जो गिर रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्लीन है। मेरे फेस पर कोई भी मेकअप नहीं है, सिर्फ हल्की सी ये आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक है लाइट सा, और अब मैं इसे यूज करूंगी अच्छी तरह। अगर आप इसे रखेंगे ना तो ये बिल्कुल आपका जो है ये जम जाएगा, तो आपने इसे ट्राई करें जैसे आप बनाए वैसे ही अपने फेस पर लगा लें। एक पूरा सा थिक लेयर आपने अपने फेस पर इसका लगाना है। तो गाइस, मैंने अपने इसे फेस पर पूरा लगा लिया है, और आप देख सकते हैं कितनी मोटी मैंने इसकी लेयर लगाई है, और मेरे हाथों का हाल देख सकते हैं क्या हो गया है। मैंने अपने इसे हाथों से लगाया, अब मैं इसे अपने फेस पर ऐसे छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह होता है और कैसे निकलता है। गाइस, हमारा ये आधा लगभग सूख गया है और थोड़ा सा बाकी होगा, पर जो मुझे अभी रिजल्ट लग रहा है कि ये इतना सॉफ्ट है ना, ये पूरा मास्क की तरह नहीं निकलेगा, ये जिस तरह हमारा पहले निकला था वैसे ही निकलेगा। फिर भी अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि कई बार लास्ट में ही तो सारी प्लानिंग जो हम सारा सोचे होते हैं वो फेल हो जाता है, तो एक बार लास्ट मोमेंट पे देखते हैं। हमारा ये आधे घंटे से ज्यादा हो गया, अब मैं इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप देख रहे हैं ये किस तरह निकल रहा है, इस तरह से पीसेस में निकल रहे जैसे हमारा पहले निकला था। मुझे लगता है जो इसका मास्क वगैरह बनता होगा, या तो ये नॉर्मल वाटर से नहीं, वैसे इस पे लिखा तो नॉर्मल वाटर से ही बनाना है हमें पेस्ट, अदर कोई केमिकल्स वगैरह या कोई सीरम वगैरह वो यूज करते होंगे जिसकी वजह से ये निकलता है, पर इसमें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बाकी किस तरह वो करते हैं लोग, कैसे वो दिखा देते हैं कि वो मास्क की तरह निकल रहे हैं, आई डोंट नो, बट मैंने दो फेस मास्क यूज किए, दोनों का रिजल्ट ऐसा ही आया है। तो अब मैं इसे रिमूव करूंगी अपने फेस से, उसके बाद मैं इसे वॉश नहीं करूंगी, एक टिश्यू पेपर की हेल्प से, नैपकिन की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर लूंगी, उसके बाद फिर क्या कहते हैं
आधे घंटे बाद में इसे नॉर्मल मास्क को हटा दिया है। मैंने अपने फेस को वॉश नहीं किया है, कुछ मैंने हाथों से रब करके और नैपकिन की हेल्प से इसे रिमूव किया है, कुछ जो हमारे बालों पे लगे थे उसे मैंने हैंकी की हेल्प से रिमूव किया है। उसके आधे घंटे बाद हमने अपने फेस को वॉश कर लेना है, आधे घंटे बाद ही आपने पानी का यूज करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं इसका तो मुझे इफेक्ट लगा है, इफेक्ट इसका गाइस हमारे फेस पर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। अदरवाइज अगर हम इसे इस पर्पज से लगाते कि हमारे फेस से ये एक मास्क की लेयर में निकलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मास्क की लेयर में नहीं निकलेगा ये, बट आपके फेस पे इसका जो रिजल्ट आता है, जो इफेक्ट इसके लिखे होते हैं कि ये सारी चीजें सनटैन रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, तो इस तरह का है ये, इसका इफेक्ट आपकी स्किन पे आएगा। बट अदरवाइज मास्क की तरह हमारे फेस से जो रबर मास्क निकलेगा वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा। और इसके जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हमारी स्किन पे है। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे लगता है कि इसे लगाने से हमारे फेस से सनटैन वगैरह जो हमारी स्किन पे टैनिंग की प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएंगी। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे यूज करना, और अगर अच्छा लगे मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।